नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने चंडीगढ़ सेक्टर 2 स्थित सरकारी कोठी भी खाली कर मिलने वाली सभी सुविधाएं भी छोड़ दी हैं। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा है कि वह सरकारी आवास को खाली करके उन्होंने उसे पंजाब सरकार को वापस सौंप दिया है। अब सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों को केमिस्ट से महंगी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। सेहत विभाग सूबों के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं का टोटा खत्म करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी सिविल सर्जनों से अस्पतालों में जरूरी दवाओं की लिस्ट मंगवाई गई है। इस लिस्ट में दवाओं को फाइनल किए जाने के बाद जल्द दवाओं की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लंबे समय से सातवें वेतमान के अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंस का लाभ देने की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब अगस्त 2019 से यह लाभ मिल जाएगा। यह लाभ कर्मचारियों को 3 श्रेणियों के तहत 8%, 16% और 24% की स्लैब के अंतर्गत मिलेगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मनोहर सरकार को एक और सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके निवास स्थान पर दिया गया। राज्य सरकार के तहत चल रहे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के 6 मिनट के लिए गीता श्लोक पाठ को एक साथ 18,000 छात्रों के माध्यम से उच्चारण किए जाने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आगामी 9 से 11 अगस्त के दौरान यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि कनाडा में भी भारतीयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार अपना पूरा सहयोग करेगी। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले रेल कर्मी रमकेश मीना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से बॉर्डर क्षेत्र और कुछ अफसरों के फोटोग्राफ मिले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने भारत पाक सीमा पर लगी कंटीली तार समझौता एक्सप्रेस की वीडियो बना रखी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर के करोड़ों के ड्रग केस के मुख्य आरोपी की मौत की मैजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिमांशु अग्रवाल को सौंपी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ADM अग्रवाल को अस्पताल में हुई आरोपी गुरपिंदर सिंह की मौत की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्हें आरोपी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के सभी तत्व और परिस्थितियों की जांच को कहा गया है। यह मजिस्ट्रेट जाँच उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से अलग होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों कॉलेजों में बढ़ाने वाले शिक्षकों की रिटायरमेंट अब शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं होगी। बच्चों की पढ़ाई पर असर ना हो, इसके लिए जयराम सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान अलग अलग महीनों में रिटायर होने वाले शिक्षकों को एक साथ एक तारीख वर्ग पर सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में रह रही शिमला की एक युवती ने हरियाणा के युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी लड़का भी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। यह मामला सदर थाना शिमला में ऑनलाइन दर्ज हुआ है। युवती ने आरोप लगाया कि युवक उसे शादी का झांसा देकर दिल्ली व मनाली घुमाने ले गया था, जहाँ उसने उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ रविवार को कर दिया गया। दिल्ली के निगम बोध घाट पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शीला दीक्षित को अंतिम विदाई देने के लिए UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व PM मनमोहन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता निगम बोध घाट पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अफगानिस्तान से हीरोइन लाकर दिल्ली के रास्ते पंजाब में तस्करी करने वाले 2 अफगानी समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गैंग के इनसे 150 किलोग्राम अफगानी हीरोइन बरामद हुई है। इसकी कीमत तकरीबन 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।